हे टीएमसी आर्मी, दिस इज द होस्ट ऑफ टीएमसी हंटर चैनल। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी एक और न्यू वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, आप लोग जाकर के z2u.com को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप लोगों को माइनक्राफ्ट के अकाउंट्स बाय करने हैं या फिर आप लोगों को कोई भी मोड या फिर कुछ भी बाय करना है माइनक्राफ्ट से रिलेटेड, तो आप सिंपली z2u.com पे जाकर के आराम से बाय कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जाओ एंड z2u.com को भी एक बार चेकआउट कर लो। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्टोरी ऑफ हीरोब्राइन की। आखिर कौन है हीरोब्राइन, आखिर क्या रिश्ता है उसका माइनक्राफ्ट के साथ, आके डेवलपर ने उसको क्यों डाला था, उसकी आंखें क्यों चमकती रहती है, क्यों अब वो हमें माइनक्राफ्ट के अंदर दिखाई नहीं देता, इन सब बातों को आज हम क्लियर करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को कह दूं कि वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज एक एक सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है, तो सब्सक्राइब कर दो। हम लोग 200K सब्सक्राइबर्स के करीब आते जा रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर दो। आई थिंक कर दिया होगा, दबा दिया बटन। ओके, तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं अपनी वीडियो को। एक्चुअली में गाइज हीरोब्राइन एक लेजेंड है, या गाइज लेजेंड यानी कि माइनक्राफ्ट का एक ऐसा मॉब जिसको आज तक कोई भी नहीं हरा पाया। अगर आप लोग माइनक्राफ्ट गेम के अंदर मोड डाल के हीरोब्राइन को बुला भी लोगे और अगर आप उसको मारने की कोशिश भी करोगे, हाँ वो आपसे हार जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किलों के बाद। और दोस्तों ऐसी कोई भी मोड या ऐसा कोई भी गेम नहीं है ऐसी कोई भी जिसमें मतलब जो मेन कैरेक्टर है वो ना जीते, इसीलिए हीरोब्राइन को गेम के अंदर हराता मतलब हारता हुआ दिखाया गया है। और अगर हम बात करें कि माइनक्राफ्ट के अंदर हीरोब्राइन क्यों आया, गाइस माइनक्राफ्ट के अंदर हीरोब्राइन इसीलिए आया क्योंकि ये एक ग्लिच था, या गाइस ये स्टीव का ही एक डुप्लीकेट है, बट इसकी जो आंखों में एक ऐसी रोशनी है जो कि एक ग्लिच है, या गाइस ये एक ग्लिच से आया था। इसके डेवलपर ने इसके जो कंट्रोल्स हैं वो अजीबोगरीब कर दिए थे और जिसकी वजह से ये जो है हमारी माइनक्राफ्ट गेम के अंदर दिखाई देने लग गया था। काफ़ी लोगों को ये दिखाई दिया और उसके बाद डेवलपर्स के पास ये न्यूज़ गई तो उसने चेकआउट किया उन लोगों ने, और उन्होंने पाया कि माइनक्राफ्ट के अंदर एक ऐसा मोब है जिसको कोई भी नहीं हरा सकता, चाहे वो नोच ही क्यों ना हो, या गाइस या माइनक्राफ्ट का गॉड है नोच, वो तक हीरोब्राइन को हरा नहीं पाता असल में, ठीक है। डेवलपर ने ये सोचा कि अगर हीरोब्राइन इस वर्ल्ड के अंदर रहा तो हम कोई भी वर्ल्ड क्रिएट करेंगे, हम एडवेंचर करेंगे, सर्वाइवल करेंगे, तो हम जो है कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर हीरोब्राइन उस जगह पे आ गया तो वो पूरी जगह को तहश नहश करके रख देगा। आप लोगों ने मेरी हीरोब्राइन की वीडियो देखी होगी, हीरोब्राइन वर्सेस मी की, उसमें हीरोब्राइन ने कैसे तबाही मचा दी थी मेरी सिटी में, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर हीरोब्राइन को ना निकाला जाता उस टाइम पर, तो शायद हीरोब्राइन पूरे माइनक्राफ्ट के अंदर तबाही मचा चुका हो। तो अब ये सिर्फ मोड में ही एक्टिव है, या अगर आप लोग कोई भी मोड डालते हो जब ये हीरोब्राइन हमें देखने को मिलेगा, अनदर नहीं मिलेगा कोई भी माइनक्राफ्ट की सीरीज़ क्यों ना हो। सो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो, एंड आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर देना, एंड आप लोगों को मैंने सब बता दिया है हीरोब्राइन कहाँ से आया, क्यों चमकती हैं इसकी आँखें और क्या रिश्ता है इसका माइनक्राफ्ट के साथ। सो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो, एंड आई थिंक आप लोगों को पसंद आई होगी। जब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, एंड z2u.com को जाकर के भी चेकआउट कर लेना। बाय बाय।